नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सानम। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया है और बुधवार को दिलीप कुमार ने 58 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। अब बुधवार को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली। बता दें, दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है और कई दिग्गज उन्हें नमन कर रहे हैं। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। अस्पताल के डॉक्टर पार्कर, जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने दिलीप कुमार के निधन की पुष्टि की है। बता देते हैं ये भी कि दिलीप कुमार को पिछले एक महीने से 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट किया गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने बयान में कहा कि दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है, वो अभी भी अस्पताल में ही है, आप उन्हें अपनी दुआओं में रखें। लेकिन यहाँ इस हेल्थ अपडेट के 2 दिन बाद ही दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। और वहीं उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबेद को मार गिराया है। सुरक्षा बल इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें, आईजीपी कश्मीर ने इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को ढेर किया गया है और कई आतंकी वारदातों में ये शामिल रहा है और इसलिए यह एक बड़ी कामयाबी है। आपको बता देते हैं ये भी कि मंगलवार देर रात उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में त्रालगुंड के पाजीपुरा रेनान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस सूत्रों ने ट्वीट कर इस मुठभेड़ की जानकारी देते हुए लिखा कि हंदवाड़ा में त्रालगुंड के पाजीपुरा रेनान इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, आपको बताते चले कि सेना की 32 आरआर और सीआरपीएफ की 92 बीएन संयुक्त टीम इलाके में ऑपरेशन चला रही है। इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका के चलते ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। आपको बता देते हैं कि हिजबुल का पुराना आतंकी था महराजुद्दीन, जिसको ढेर किया गया है और फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है तो यहाँ सुरक्षा बलों को यहाँ सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये पूरा मामला है, जहाँ हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में हिजबुल का टॉप कमांडर महराजुद्दीन ढेर हुआ है। आपको बता देते हैं कि इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं सुरक्षा बल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ जारी थी, अब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईजीपी कश्मीर ने इसे मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को ढेर कर दिया गया है और यहाँ कई आतंक वारदातों में ये शामिल था, ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है और इसीलिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और वहीं दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगा राजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की देर रात निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि यहां वसंत विहार स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई, तो यहां हत्या के बाद उनका निधन हो गया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उनके 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 67 साल की किट्टी कुमार मंगलम के घर के अंदर लूट की नियत से घुसे बदमाशों ने हत्या कर दी और वसंत विहार स्थित अपने आवास से दूसरी मंजिल पर रहती थी और किट्टी के पति पी रंगराजन कुमार मंगलम अटल सरकार के मंत्री थे। और ये भी बताया जा रहा है कि रंगराजन कुमार मंगलम की मौत कैंसर से हुई है। किट्टी कुमार मंगलम के साथ बीती रात 9 बजे के करीब घर में नौकरानी थी। नौकरानी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे धोबी आया और उसके दरवाजे को खोल दिया।
फिर धोबी उसे खींचकर बगल के कमरे में ले गया और बांध दिया गया। तभी दो और लड़के दाखिल हुए और उन्होंने तकिए से मुंह दबाकर किट्टी की हत्या कर दी। पुलिस का इस मामले में ये कहना है कि उन्हें रात 11 बजे सूचना मिली जब नौकरानी ने खुद को किसी तरह खोला और शोर मचाया। बता देते हैं कि नौकरानी के बयान के बाद पुलिस ने रात में ही धोबी, जिसका नाम राजू है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इस मामले में 24 साल का राजू वसंत विहार के ही भंवर सिंह कैंप में रह रहा था। वारदात में शामिल बाकी दो आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और उनकी पहचान भी हो गई है, जिनकी तलाश जारी है। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, तो यहां बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी काफी ज्यादा चिंता में है। पेट्रोल की बात कर लेते हैं। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे लीटर महंगा बिक रहा है। वहीं डीजल के दाम की बात करें तो 89.53 रुपए प्रति लीटर है, और इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। और पिछले 2 महीनों में कई वृद्धि के माध्यम से देश भर में ईंधन की दरें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। 1 मई को 90.40 रुपए प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जो पिछले 68 दिनों में 9.81 रुपए प्रति लीटर की तेज वृद्धि है। और इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमतें भी पिछले 2 महीनों में 8.80 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। मई और जून के बीच 61 दिनों में 32 दिन ये दाम बढ़े थे। सर, पेट्रोल तो देखिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कल 99 था, 100 हो गया। बस यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नीचे आए ताकि थोड़ी राहत मिले जनता को। और वहीं नरेंद्र मोदी सरकार आज यानी बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, और इससे एक दिन पहले मोदी सरकार ने अपना एक नया मंत्रालय बनाया था। बता देते हैं कि सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक, आपको बताते चलें कि सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। और ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद शपथ दिलाई जाएगी और नए मंत्री राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में पद की शपथ लेंगे। सूत्रों का यह कहना है कि नया मंत्रालय सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाले एक सच्चे जन आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने में मदद करेगा। और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समिति के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। बताया ये भी गया है कि एक अलग मंत्रालय का गठन केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को भी पूरा करेगा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। और यहां सावन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद जिला प्रशासन ने दिसंबर 2020 से जून 2021 तक की तैयारी पूरी कर ली है, तो यहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता देते हैं कि परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के संभावित दौरे की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। शासन के माध्यम से बात करें तो यहां प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 जुलाई के बीच एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर निगम के ठीक बगल स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जा सकते हैं और बताया जा रहा है कि बीएचयू में बनी परियोजनाओं का निरीक्षण भी कर सकते हैं। और इसके अलावा खुले मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने की योजना भी बनाई जा रही है।
और वहीं मंत्रिमंडल विस्तार बुधवार शाम 6 बजे तय किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें 24 से 30 नए नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जो इन नामों को लगभग तय माना जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, सर्बानंद सोनेवाल, सुशील मोदी और पशुपति पारस इसमें शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि मंत्रिमंडल में पिछले दलित, आदिवासी और युवाओं को तरजीह दी जाएगी। और इसके अलावा बीजेपी की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की भी है। बीजेपी दिखाना चाहती है कि एनडीए के नाम पर केवल अठावले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपने इन्हीं प्रयासों को सिरे चढ़ाते हुए बीजेपी जेडीयू को भी साधने में लगभग कामयाब हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि जेडीयू कोटे से 4 मंत्री होंगे, जिसमें 1 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री होंगे। अठावले और जेडीयू के अलावा यूपी के अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी मंत्री पद पा सकती हैं। साथ ही संकेत ऐसे भी मिल पा रहे हैं कि एआईएडीएमके को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। सरकार में बंगाल से भी मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और हो सकता है राज्य से शांतनु ठाकुर और निश्चित प्रमाणिक मंत्री पद संभालेंगे। और साथ ही जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन पर भी सरकार का फोकस हो सकता है। और वहीं कैबिनेट बैठक पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कैबिनेट के द्वारा छिंदवाड़ा में नए जेल भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है और कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। बैठक के बाद एक समस्त मंत्रीगण, सीएस, एसीएस, पीएस के साथ भी बैठक हुई, उसका भी विस्तार से मैं बताऊंगा। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की भी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली। कैबिनेट के अंदर आज तय किया गया कि छिंदवाड़ा में नवीन जेल भवन परिसर के निर्माण की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। आज कैबिनेट नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 का अध्यादेश लेके आए हैं। इसमें जो प्राधिकृत कॉलोनियां हैं उनका विकास, जो अवैध के रूप में से वहां पर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत विकास नहीं कर पाती। बिहार जेडीयू प्रमुख उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी शामिल होगी और यहां पार्टी शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार यह है कि उस किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारी पार्टी शामिल होगी और ये तो विशेषाधिकार है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कौन बनेंगे, किनको क्या मंत्रालय मिलेगा। और जो आपने सवाल किया ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, हम तो संगठन चला रहे हैं, बिहार के संगठन को देख रहे हैं। और वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने किसानों को लेकर कहा कि जो भी खामियां हैं उन्हें देखा जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा ये दिखाते हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानून जो किसान और जनता के खिलाफ हैं उनमें जो सारी खामियां हैं वो कैसे दुरुस्त किया जा सकता है उसका प्रस्ताव आज विधानसभा में रखा गया और तीनों कानून जनता के लिए हमने 2 महीने के लिए रखे हैं। किसान हो, किसान संगठन हो और कोई आम आदमी हो उसमें सुझाव दे सकता है और सुझाव आएंगे और क्या उसमें बदलाव किया जाना है वो हम स्वीकारेंगे। कम से कम महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है इस 2 महीने के भीतर और बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। हमें लगता है सारी खामियां जो हैं केंद्र के कानून की इन सुझावों के बाद आम जनता क्या जाती है वो समझ में आए। और वहीं यूपी के बाराबंकी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहां पुलिस ने एटीएम और डेबिट कार्ड से फ्रॉड का रुपए निकालने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें 87 एटीएम, डेबिट कार्ड के अलावा एक स्वैप मशीन और 20 कार बरामद की है। और वहीं मामले में एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। पैसा
निकालने के लिए गए थे, वहाँ पे एक व्यक्ति आया और उसके बाद वो मदद करने के बहाने उसने एटीएम चेंज कर लिया और उसके बाद पैसा निकाल उनका एटीएम से पैसा नहीं निकला। थोड़ी देर बाद उनके मैसेज में आया कि 49,000 रुपये उनके बैंक से कट गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं कहीं से। इस तरीके से ये मुकदमा थाना रामसनेही घाट में दर्ज किया गया और इसके बाद हमारे सीओ रामसनेही घाट, एडिशनल एसपी और जो एसओ रामसनेही घाट है इनके नेतृत्व में टीमें बनाई गई, लगातार इसमें कार्रवाई शुरू की गई। इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और जो सर्विलांस टीम है उन सभी को साथ में लगाया गया। ये पूरा प्रकरण एक फ्रॉड के रूप में, इंटर स्टेट गैंग के रूप में निकल के आया। इसमें एक गैंग है जो इसका साजिद, अनीस, अरशद और शाहरुख, ये चार लोग इसमें काम कर रहे थे, लगातार इस तरीके से इंटर स्टेट के रूप में ऑपरेट कर रहे थे। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये जब भी और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी देती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ कांवड़ यात्रा को यूपी के सीएम ने ऐसे समय में मंजूरी दी है जहाँ उत्तराखंड में रोक लगा दी गई है इस यात्रा को। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रियों को प्रदेश में नहीं आने की गुजारिश की है और इस बाबत एक चिट्ठी जारी करते हुए यूपी समेत आसपास के राज्यों को भी उसमें मार्क किया गया है। वहीं खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से पूरा करवाने के लिए यूपी के अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। उनसे कहा गया है कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और बिहार से बात कर कांवड़ यात्रा को पूरा कराया जाए। और वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत दलों के नेताओं ने यहां फादर स्वामी के हिरासत में आपत्ति जताई है। बता दें कि राष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यहां राष्ट्रपति को पत्र भेजने वाले नेताओं में ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सोनिया गांधी, एमके स्टालिन, एचडी देवगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, डी राजा, शरद पवार और सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। भेजे गए पत्र में स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मौत हो जाने को अत्यंत दुखद बताते हुए जो भी लोग इस मामले में दोषी हैं और उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं नेताओं ने मांग की है कि स्टेन स्वामी पर लगाए गए आरोपियों को देखते हुए खुद राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप है। साथ ही ये भी कहा गया कि गलत मुकदमे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता देते हैं कि भीमा कोरेगांव हिंसा में जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है और हाल ही में बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है कि उनका निधन हो गया है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे स्टेन स्वामी की ओर से इसी साल बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन यहां बेल नहीं मिल पाई क्योंकि एनआईए ने इसका विरोध किया था। लेकिन यहां कोर्ट ने उनकी बिगड़ी हालत को देखते हुए मई महीने में अस्पताल में भर्ती करवाने का निर्देश जारी कर दिया था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा पर रोक लगाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता देते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य हाई कोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें स्थानीय तीर्थ यात्रियों को 1 जुलाई को चार धाम यात्रा में भाग लेने की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि यहां राज्य सरकार ने दलील ये दी है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। चारधाम स्थलों के आसपास रहने वाली आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से की आजीविका इसी यात्रा पर निर्भर करती है। सरकार ने अपनी दलील में ये भी कहा कि वहां के लोगों को रोजगार चारधाम यात्रा से ही मिलता है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि चारधाम यात्रा से वहां के लोगों को रोजगार मिलता है और ऐसे में जो उनकी कमाई का एकमात्र साधन है और इन इलाकों में लोग 6 महीने बेरोजगार जैसे रहते हैं। सरकार ने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों को काम करने का मौका सिर्फ चार धाम यात्रा के दौरान ही मिलता है। अगर ये यात्रा रद्द कर दी गई तो वहां के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।